अध्याय समाज में वोट देने के अधिकार यहाँ कोई नहीं है मेरे अलावा, उनके अनुसार नहीं है, उनके अनुसार नहीं है, वो कहते हैं कि सदस्य नहीं है, उनको वोट डालने का कोई अधिकार नहीं है। सदस्य नहीं बना रहे, फिर वही बात आए कि मैं उठता है नहीं, और मैंने उसी समाज के आदमी, समाज के आदमी जो होंगे कदम उनका कदम का आर्शन होने का नहीं होगा। मैं एक बात और बता दूं, एक बात और बहुत जरूरी है, जैसे इस बालक ने कहा, इन्होंने कहा पैसे हम खर्च करेंगे तुम चुनाव करा, इसमें कानूनी अड़चन बहुत है। जैसे सदस्य बने हुए हैं साधारण, उनके बाप का नाम नहीं है और उनका जो है एड्रेस नहीं है, सरकार के द्वारा चुनाव कराए जाने का मतलब यह है उनके घर पावती जानी चाहिए, पावती जानी चाहिए, सूचना एड्रेस है नहीं, एड्रेस है नहीं, पोस्टल एड कैसे जाएगा, आपने जाके उसके घर ऐसे ही पकड़ा दिया, गया सतीश उपाध्याय लो मान्य नहीं होगा, लो वो मान्य नहीं होगा, क्या होगा, कल कोई और खड़ा हो जाएगा खरपतवार, और खरपतवार ले जाकर कह देगा ये चुनाव शुद्ध नहीं है, मैं इसे नहीं मानता, पैसे सुन्न हो जाएगा। एड्रेस तो होगा जिनका सबका, एड्रेस नहीं बता जो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो अगली बैठक बताने का मेरा चुनाव गाल बजाई में नहीं हुआ, इन्होंने नियम बना दिया, जब सुभाष को पीट के घर बैठाया तो 8 आदमी एक तदर्श समिति बना ली, जो कहीं संविधान में प्रावधान नहीं है, एडहॉक समिति बना दी, वो एडहॉक समिति ने नियम करा कि जो 100 रुपए का सदस्य होगा, नहीं आजीवन नहीं था जी, वो साधारण सदस्य था, जो 100 रुपए का सदस्य होगा वही वोट दे। मुझे 25 दिसंबर 2004 में लाए और महानगर का अध्यक्ष बना दिया, और फिर मास्टर राजपाल सिंह बोले अरे यार हमें तो तू ही बढ़िया लगे है, तू ही जो है महानगर का पूरे जिले का महामंत्री बन जा, अध्यक्ष बन जा, 100 मेंबर बना ले, मेंबरों की होड़ लग गई, दूसरे पक्ष ने भी बनाए, हमने भी बनाए, 265 अकेले मैंने बनाए, 755 सदस्य पहली बार उपाध्याय समाज के बने, तब ये चुनाव हुआ। अध्यक्ष के 3 दावेदार थे, नंबर 1 नरेंद्र जानी, नंबर 2 सुखबीर सिंह और रामनगर, नंबर 3 हमारे पैनल से दुलीचंद जी, हमने पूरा पैनल बना कर दिया था, उनके पास पैनल नहीं था, उनकी घुटमुट हुई, सुखबीर सिंह कह लगे मैं जो है नरेंद्र जानी के समर्थन में अपना नाम वापस लेता हूं, उन्होंने नरेंद्र जानी के समर्थन में अपना नाम वापस ले लिया। नरेंद्र जानी को प्रस्तावक तक नहीं मिला बहुत देर तक, इनके पिताजी ने प्रस्ताव दिया, फिर जब जाके उनका वो मंजूर हुआ, गहमा गति होती रही, 5 बजे तक का चुनाव का समय था, अंत में जब उन्होंने देखा नरेंद्र जानी ने यहां तो प्रस्तावक भी नहीं मिल रहा, चुनाव हार जाओगे, लंबा कुर्ता छोटी बुरसेट हो जाएगी, उन्होंने नाम वापस ले लिया, निर्विरोध वो चुने गए, यानी बाकी टीम सारी निर्विरोध चुनी गई, एक आदमी वेद प्रकाश रोडवेज खड़े कर दिए उन्होंने कोषाध्यक्ष के लिए। मैंने उनसे कहा आप अपना नाम वापस ले, आज भी मैं उनका कायल हूं इस बात के लिए, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया मेरे कहने से, ठीक है जी। मुनीस मेरे सामने डटे रहे, उन्होंने कहा भाई जब हमने नाम इतने सारे वापस ले लिए तो सतीश से कहो ये महामंत्री के लिए वापस ले ले, मगर मैं तो अध्यक्ष बनने आया था, बाद में राजपाल सिंह ने मुझे रात को रोक के कहा अरे यार बतायो दुलीचंद खड़ा रहेगा तू मंच पे बैठेगा, सीनियर है तेरे से इसे अध्यक्ष
बनवा दे और तू महामंत्री बन जा। तो मैंने कहा महामंत्री तो मैं लड़के हार के घर बैठ सकूं, लड़ूंगा हटू मैंने। मेरे समर्थन में मास्टर जगमाल सिंह भी थे, उन्होंने कहा वापस नहीं लेना तुझे नंबर, उन्होंने खड़े रहे पूरी उससे। और जैसे युवा ये हैं और युवा भी ऐसे ही कई सारे थे, उन्होंने कहा नहीं खड़े रहना तुम्हें। अंत में जाके फिर दो घंटे, एक घंटे का समय बढ़ा, एक घंटा और हुआ, एक घंटे के बाद जाके फिर वो कहने लगे भाई समाज हित में मैं अपना नाम वापस लेता हूं। मैंने नहीं समाज हित में नहीं ले रहे तुम नाम वापस, चुनाव लड़ो और चुनाव लड़कर हारा। तो 755 सदस्यों में वो कार्यकारिणी 2005 में चुनी गई थी। ऐसा नहीं है कि हथेली बजा के नहीं हुए थे, वो चुनाव पहला चुनाव ऐसा था जिसमें 755 लोग चुने गए। तब से लेकर फिर 2000 उसमें बस वो चलता रहा। खैर कि ये जो है आरोप प्रत्यारोप आरोप प्रत्यारोप ये करते रहे, लेकिन मैं इन्हें झेलता ही रहा और आज तक भी झेल रहा हूं। आज तक भी इस बात से पीछे नहीं हूं इनके झेलने से। उन्होंने कहा मैं 15 दिन में चुनाव करा दूंगा, कालीचरण ने कहा करा दिए भाई, 7 साल हो गए अभी तक तो चुनाव करा ना पाया चल, क्योंकि लकीर नहीं खींची जाती समाज में, किसी को ललकारा नहीं जाता ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, नहीं। समाज में समन्वय बनाकर सबके साथ बैठकर, मैं अभी भी कह रहा हूं समाज के सम्मुख, पहले भी कई बार कह चुका हूं, सामने बैठ लें तय कर लें चुनाव ऐसे होना है। मैं कल भी तैयार था और आज भी तैयार हूं। जहां तक इस बात का कह मैं कि जी वो बस्ता दे दो, कोई चुना गया क्या जो दे दो जोरा बस्ता अब ले लो। बस्ते में होता क्या है, एक कार्रवाई रजिस्टर महामंत्री के पास, कोषाध्यक्ष मर गया बेचारा गरीब, अब उसका तो वहां लेने जाना पड़ेगा ही ना। जिसके पास चार्ज कोष का है वो तो इस दुनिया में नहीं रहा, उसका वहां जाना पड़ेगा, कह रहे तू दे तो क्या करेंगे हम। अध्यक्ष उनके पास हैं, उन्हें उन्हें चार्ज दे दिया क्या, मेरे से ही क्यों मांगा जाता, अकेला दोषी हूं मैं चार्ज ना देने का, मैं अकेला दोषी हूं। दुलीचंद जी ने दे दिया क्या चार्ज, या सतीश जी से ले लिया था क्या चार्ज, जो ये कहा जाता है कि भाई सतीश उपाध्याय चार्ज नहीं दे रहा, चार्ज लेने वाला कौन है। मैं यही तो कह रहा हूँ दूर किसे कोई चुना हुआ हो, नियमानुसार कौन लेगा चार्ज, नियमानुसार जो नई कार्यकारिणी बनेगी वो लेगी। हम भी तो नहीं करेंगे, पहले तो हम तो तैयार हैं जी, अगर आप सब लोग इस बात को सहमत हो तो कर लो, और नहीं सहमत हो तो उन्हें बुला लो। और ना हुआ है तो क्या हुआ जी, नहीं आए वो फिर क्या होगा, इकट्ठा हो रहा है। नई युवा के नई युवा पीढ़ी के जो एक सुन लो कान खोल कर, जब सदस्य नहीं बन सकते वोट नहीं डाल सकते कार्यकारिणी में हो ही नहीं सकते, तो हमें तो बगल कर दो, अपने बगल ही रहने दो जितने भी है, क्यों अपना मीटिंग करते फिर रहे, वहां में जाओ कभी वहां में जाओ रे वहां में जाओ, क्या इसका उत्थान होगा। सोचो इस बात को, जब हम एक अपनी कार्यकारिणी के हम कुछ हमारी वैल्यू है ही नहीं वहां कुछ भी, तो हम कहा मैं कहा कहाँ फिर धक्के होंगे, ये अधिकार ये अधिकार किसने छीने। हेलो 78 से रह रहे और 78 में ही वो बनते अच्छा एक बात बताओ पहली बार आजीवन सदस्य मैंने बनाए और उनको जो है प्रमाण पत्र दिए, और दूसरे नंबर पे धर्मशाला के अंदर मैंने पत्थर लगवाया उनका आजीवन सदस्य देखा। जी तम भी नहीं हो हम कहा क्या नहीं है
तो 5 रुपए भी नहीं दिए थे क्या किसी ने? अगर दिए थे तो मेंबर आज क्यों नहीं बनाए? तो